morning to everybody. In previous class, I have discussed about the central idea of the poem My Mother at 66, main theme and message. Today, I am going to teach you line by line expression of the poem My Mother at 66. In first stanza, we see that the poetess says, "Drive me from my parents' home to Cochin last Friday morning." I saw my mother beside me. Doze open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. She looked as she was, but soon put that thought away. अब यहां तक हम लोग देखें, इस पोएम में पोएटिस कमला दास कहती है, ड्राइव मी फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. कवित्री कमला दास पिछले शुक्रवार की सुबह अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी, तो उनकी मां वो क्या देखी कि हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनकी मां उनके बगल में बैठी हुई थी. डोज ओपन माउथ, डोज मीन्स टू टेक स्लाइट स्लिप, ऊंघना झपकी लेना, जफाई लेना जिसको हिंदी में कहते हैं, मुंह खोलकर झपकी ले रही थी. हर फेस ऐसे लाइक, ऐसे लाइक मीन्स द कलर ऑफ एस, रात के रंग की तरह जिसको हम लोग विवर्ण करते हैं. दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, एंड रियलाइज विथ पेन. कवित्री पहले सिंपल ट्रांसलेशन देखें, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट पर जा रही थी, उनकी ओल्ड एज मदर उनके साथ जा रही थी उनको छोड़ने के लिए, वो उनके बगल में बैठी हुई थी, मुंह खोलकर झपकी ले रही थी, चेहरा राख के रंग की तरह विवर्ण, लाइक द कलर ऑफ एस लग रही थी. दैट ऑफ ए कॉर्प्स, वो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह लग रही थी. और कवित्री उस दर्द को महसूस करती है और उस विचार को, बट सून पुट दैट थॉट अवे. पुट अवे इज ए फ्रेजल वर्ब, पुट अवे इज ए फ्रेजल वर्ब, वर्ब ऑफ एडवर्बियल पार्टिकल या वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलकर क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब. तो पुट अवे मीन्स टू रिमूव, हटाना, टू रिमूव, बट दैट थॉट अवे. अब यहां पर देखें कि कवित्री जब देखती है कि उनकी मां की हेल्थ कंडीशन बहुत ही मिजरेबल थी, वो मुंह खोलकर झपकी ले रही थी, डेड बॉडी की तरह लग रही थी, तो कवित्री को यह विचार हाउंट करने लगती कि अब उनकी मां
अधिक समय तक जिंदा नहीं रख पाए। और यह विचार जब उनको हाउंट करने लगती है तो इस विचार को वो मन से बाहर निकालना चाहती थी। अब यहां पर देखिए हाउ मेनी क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस स्टांजा। फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर द पोएटेस कमलादास वाज गोइंग एंड व्हाई। कवित्री कमलादास कहां जा रही थी और क्यों? तो द पोएटेस कमलादास वाज गोइंग टू कोची एयरपोर्ट। व्हाई शी वाज गोइंग टू कोची एयरपोर्ट? टू कैच हर फ्लाइट, अपना फ्लाइट पकड़ने के लिए। प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर बट प्रोबेबली शी वाज गोइंग अब्रॉड, क्योंकि कोई फ्लाइट जो है कम दूरी के लिए फ्लाइट पकड़ने नहीं जाएगा, संभवतः वो विदेश जा रही थी। हु वाज गोइंग विथ हर एंड व्हाई? कौन उनके साथ जा रही थी और क्यों? तो हर ओल्ड एज मदर वाज गोइंग विथ हर टू सी ऑफ हर। क्यों जा रही थी? उनको छोड़ने के लिए। व्हाट डिड द पोएटेस नोटिस? कवित्री क्या नोटिस करती? तो द पोएटेस नोटिस दैट हर ओल्ड एज मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर एंड हर हेल्थ कंडीशन वाज वेरी मिजरेबल। उनकी वृद्ध माँ उनके बगल में बैठी हुई थी और उनकी हेल्थ की कंडीशन बहुत ही मिजरेबल थी। हाउ मेनी वर्ड्स द पोएटेस यूज्ड टू हाईलाइट द मिजरेबल हेल्थ कंडीशन फॉर हर मदर? तो अभी तक तीन वर्ड यूज कर चुकी हैं। कौन कौन? अपनी माँ की दयनीय स्वास्थ्य को बताने के लिए डोज ओपन माउथ, मुंह खोलकर झपकी लेना। सेकंड हर फेस ऐसे लाइट, चेहरा रात के रंग की तरह बिगड़ एंड दैट ऑफ ए कॉर्प्स, वो डेड बॉडी की तरह लग रही थी। ए थ्री वर्ड्स का एक्सप्रेशन द पोएटेस हैड यूज्ड टू हाईलाइट द मिजरेबल हेल्थ कंडीशन ऑफ हर मदर। व्हाट डिड द पोएटेस रियलाइज? सी रियलाइज्ड विथ पेन। व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएटेस? द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर और द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। जब बार बार यह विचार उनके मन में हाउंट करने लगती है कि अब वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी, वो कुछ समय के लिए बाहर जा रही थी, तो यह विचार कवित्री को बेचैन कर देती, रेस्टलेस हो जाती है वो। इसलिए इस विचार को मन से वो बाहर निकालना चाहती थी। तो व्हिच थॉट द पोएटेस वांटेड टू पुट अवे एंड फाइट? किस विचार को कवित्री मन से बाहर निकालना चाहती थी और क्यों? तो द पोएटेस वांटेड टू पुट दैट थॉट अवे दैट हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग। यह विचार कि उनकी माँ अब अधिक समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी, व्हाई डिड द पोएटेस वांटेड टू पुट दैट थॉट अवे? कवित्री इस विचार को मन से क्यों बाहर निकालना चाहती थी? बिकॉज दैट थॉट हैड मेड हर रेस्टलेस, क्योंकि इस विचार ने कवित्री को बेचैन कर दी थी। आगे वो लिखती हैं, दैट थॉट अवे एंड लुक डाउन, वो बाहर की ओर देखी। लुक डाउन यंग ट्रीज स्प्राइंटिंग, यंग ट्रीज स्प्राइंटिंग, मेरी चिल्ड्रेन, मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। अब यहां पर हम लोग दो चीज देखें। जब कवित्री कार की खिड़की से बाहर देखती तो दो चीजों को नोटिस की। कौन कौन सी चीजें? यंग ट्रीज स्प्राइंटिंग, ए बुक का सेकंड नंबर क्वेश्चन होगा। व्हाई हैज द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड स्प्राइंटिंग? स्प्राइंटिंग वर्ड जो है इसका अर्थ होता है रनिंग बिहाइंड, रनिंग बिहाइंड, पीछे की ओर भागना। मेरी मीन्स हैप्पी,
स्पाइलिंग आउट मीन्स कमिंग आउट, बाहर निकलते हुए। अब देखिए दो चीजों की और नोटिस, पहला क्या देखिए कि यंग ट्रीज आर स्प्राइंटिंग, जुआ वृक्ष तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे। अब यहां पर प्रश्न है कि व्हाई हैज द पोएटेस ब्राउट आउट द इमेज ऑफ यंग ट्रीज आर स्प्राइंटिंग और व्हाई द यंग ट्रीज डिस्क्राइब आर स्प्राइंटिंग, जुआ वृक्षों को तेजी से पीछे की ओर भागते हुए क्यों दिखाया गया। तो दो रीजन, सबसे पहला तो अगर हम कहें कि व्हेन वी ट्रेवल बाय बस कार ट्रेन और एनी व्हीकल्स द ऑब्जेक्ट्स सीन रनिंग बिहाइंड अस ड्यू टू द लॉ ऑफ मोशन, बट हियर द पोएटेस हैज यूज दिस एक्सप्रेशन टू हाईलाइट दैट टाइम हैज पास्ड वेरी फास्ट। जब कभी भी हम लोग बस कार ट्रेन या किसी वाहन से यात्रा करते हैं तो वस्तुएं तेजी से पीछे की ओर भागती हुई प्रतीत होती, रियली में नहीं भागती ड्यू टू लॉ ऑफ मोशन, लेकिन कवित्री ने यहां इस एक्सप्रेशन का प्रयोग किया है टू हाईलाइट दैट टाइम हैज पास्ड वेरी फास्ट। हम लोग क्या लिखेंगे कि व्हाई हैज द पोएटेस ब्राउट आउट यंग ट्रीज आर स्प्राइंटिंग, तो सिंपली हम लोग आंसर करेंगे टाइम हैज पास्ड वेरी फास्ट कि समय बहुत तेजी से बीत चुका था और उनकी मां हर चीजों को खोकर आज मौत के कगार पर थी। सेकंड क्या नोटिस की, मेरी चिल्ड्रेन जो बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, प्रसन्नचित मुद्रा में बच्चे घरों से बाहर निकल रहे थे। अब इसको इमेज में क्यों लाते, तो हियर मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट दैट मीन्स कमिंग आउट ऑफ दियर होम्स आर द सिंबल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। यहां पर जो प्रसन्नचित मुद्रा में बच्चे घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके अंदर जीवन और ऊर्जा का संचार हो रहा था, दे आर द सिंबल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, बट द पोएटेस मदर हैड ऑलरेडी लॉस्ट इट, जबकि कवित्री की मां इन दोनों चीजों को खो चुकी थी। तो द पोएटेस हैज ब्राउट आउट द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट, दो चीज, कंपेयर मीन्स तुलना करना, कंट्रास्ट मतलब विरोधाभास, किसके किसके बीच कंपेयर और कंट्रास्ट कर रही है, एक तरफ जुआ ऊर्जावान बच्चे जिनके अंदर जीवन और ऊर्जा का संचार हो रहा था, तो दूसरी ओर उनकी वृद्ध माता जो ऑलरेडी मौत के कगार पर थी। तो जब कवित्री इन दो बेमेल चीजों में कंपैरिजन करती है तो कवित्री के दर्द और भी बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टांजा को हम लोग देखें, नेक्स्ट स्टांजा में पोएटेस क्या करती हैं? आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप आई लुक अगेन एट हर वन पेड एज लेट विंटर्स मून। अब यहां पर देखिए कवित्री कोचीन एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, अपने वो एयरपोर्ट के अंदर जा चुकी है, उनकी मां बैरिकेड के बाहर खड़ी, जो है जनरल कस्टम होता है कि एयरपोर्ट पर अगर आप जाते हैं तो सिक्योरिटी चेकअप होती है कि आप अपने साथ कोई अनवांटेड चीज लेकर तो नहीं जा रहे हैं जिससे दूसरे यात्रियों को खतरा, एक जनरल जो है वो नियम है
एयरपोर्ट पर, तो कवित्री जब वहां पर एयरपोर्ट के अंदर वो चली गई है, माँ उनकी बाहर खड़ी थी, फिर से एक बार अपने माँ की ओर देखती जो कैसा लग रही थी, वान। वान मीन्स कलरलेस, तो आदमी कलरलेस क्या होगा, ब्लडलेस हो जाएगा। पेन का मतलब होता है येल्लो, लेकिन यहां पर आया है सैड के लिए, उदास। उनकी मां बिल्कुल रक्तहीन लग रही थी, उदास, एज इन लेट विंटर्स मून। बुक का 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून। तो सबसे पहले यहां पर मैंने सेंट्रल आइडिया के भी डिस्कस किया था आप लोगों को कि एज ए लेट विंटर्स मून में कौन सा पोएटिक फिगर ऑफ स्पीच आया है, तो सिंधी। कौन सा पोएटिक फिगर ऑफ स्पीच, सिंधी। अब यहां पर कवित्री अपनी मां के चेहरे का कंपैरिजन करती है लेट विंटर्स मून से, तो व्हाट इज सिमिलरिटीज बिटवीन लेट विंटर मून एंड द फेस ऑफ द पोएटिस मदर, ये दोनों में क्या सिमिलरिटीज। तो ड्यूरिंग लेट विंटर सीजन द मून सीम्स डल और डिम ड्यू टू फॉग और मिस्ट, जाड़े के उत्तरार्ध में चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाती है, धूमिल हो जाती है, क्यों, धुंध और कुहासे के कारण। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से द फेस ऑफ द पोएटिस मदर वाज लुकिंग लस्टरलेस, कवित्री के मां का चेहरा चमकहीन लग रही थी, कांति विहीन लग रही थी। व्हाई, ड्यू टू हर ओल्ड एज एंड इलनेस, उनके वृद्धावस्था और बीमारी के कारण। दैट्स व्हाई मदर बी कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। लास्ट स्थान या देखिए, एंड फेल्ट दैट फेमिलियरली familiar ache my childhood fear।